أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين। एक बहस बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है और खाम खा कुछ शरारती अनासर कह लें या कुछ अनजाने में लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद तो पाकिस्तान ने लड़नी ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि ग़ज़वा हिंद तो होनी ही नहीं, वो ग़ज़वा हिंद हो चुकी है। तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें अच्छे तरीके से और आपको ग़ज़वा हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाएं और लॉजिकली प्रूव करें और अहादीस के साथ प्रूव करें कि ग़ज़वा हिंद कहाँ से लड़ी जाएगी और लॉजिकल रीजनिंग क्या है इसके पीछे, अहादीस क्या कहती है। तो आपको पूरी बात इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद से रिलेटेड आपके जो अहम तरीन क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के आखिर तक समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर बात आपको समझ में आ जाए तो दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, और अगर यहीं तक बात सुनकर आप क्लोज़ कर देंगे तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। कोशिश आपने करनी है कि आखिर तक पूरी बात सुने। इस वीडियो में पूरी बात तो कम्प्लीट चलती रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के सवाल हैं और ये पूछते हैं कि हमारे लेक्चर्स कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो जो लोग भी हमारे लेक्चर्स को आकर फिज़िकली अटेंड करना चाहते हैं और हमसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे आपका मैसेज मुझे आ जाएगा और आप अपना जो सिटी है वो मुझे बताएँ, तो फिर जिस सिटी में भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उस सिटी के रिलेटेड लोगों को हम बता देते हैं, तो वो लेक्चर्स फिज़िकली आके अनाउंस कर सकते हैं, सॉरी अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आप एनी टाइम आ सकते हैं, हमारा यहाँ इस्लामाबाद में ये ऑफिस है जहाँ पर हम बैठते हैं कुछ सीखते सिखाते हैं, और लाहौर में वक्तन फवक्तन हमारे लेक्चर्स होते रहते हैं। इसी तरह कराची का भी प्लान है, सरगोधा का भी प्लान है, पेशावर का भी प्लान है। तो प्लीज़ आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें अपना सिटी जो है लिखकर प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करते रहेंगे। आ जाते हैं आज के मौजू की तरफ। तो जो ग़ज़वा हिंद है इसके बारे में बिल्कुल सही रवायात मौजूद हैं जिनकी सनद बिल्कुल सही है, जिनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो यह है कि जो सही रवायात हैं वो सुन लें कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ग्रोहों को अल्लाह ताला ने जहन्नुम से महफूज फरमा लिया, एक वो ग्रोह जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा और दूसरा वो ग्रोह जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। ये मसनद अहमद की हदीस नंबर 12475 है। इसके अलावा कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, लेकिन क्योंकि सही अहादीस मौजूद हैं तो वो ज़ईफ़ अहादीस उनको कम्प्लीमेंट करती हैं, और इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये जो ग़ज़वा हिंद है इसके बारे में जो ज़ईफ़ अहादीस हैं उनकी अहमियत भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो कम्प्लीमेंट करती हैं सही अहादीस को। अगर किसी मामले में सिर्फ ज़ईफ़ हदीस मौजूद हो तो फिर आप कह सकते हैं कि ये हदीस सिर्फ ज़ईफ़ हदीस मौजूद है, ऑथेंटिक हदीस प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर कोई उस बेस पे उसको रिजेक्ट करता है तो फिर हम उससे बहस नहीं कर सकते। लेकिन अगर सही हदीस मौजूद हो और उसकी ताईद में ज़ईफ़ हदीस मौजूद हो तो फिर अगर कोई उस इवेंट का, उस फ्यूचर इवेंट का, उस गज़वे का, उस लश्कर का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कॉल का इनकार करता है तो फिर वो अपने ईमान की खैर मनाए, उसके ईमान पर शक है, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल की हदीस की नफ़ी कर रहा है, इनकार हदीस में उसका अमल आ जाता है। ये हदीस आपने सुन ली। अब आप हदीस सुने, मसनद अहमद की ही 11969 नंबर हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मेरे सच्चे खलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बयान किया कि इस उम्मत में एक लश्कर सिंध और हिंद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, की तरफ जाएगा। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अगर मैं इस लश्कर को पा लूँ और इसमें शरीक होकर शहादत के मरतबे पर फायज़ हो जाऊँ
तो बेहतर, और अगर मैं शहीद न हो सकूं बल्कि वापस आ जाऊं यानी गाजी हो जाऊं तो मैं आज़ाद अबू हुरैरा बन जाऊंगा और अल्लाह ताला मुझे आग से आज़ाद फरमा देगा। ये देखें आप कितनी कितनी अजमत है इस गजवा की कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उसमें शिरकत की ख्वाहिश जाहिर फरमा रहे हैं। और ये जो पहले हदीस मैंने आपको सुनाई हज़रत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हो से जो मरवी है कि उम्मत के दो ग्रोहों को अल्लाह ताला ने आग से बचा लिया, एक जो हिंदुस्तान है जो हिंदुओं से जहाद करेगा, दूसरा वो जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम के साथ मिलकर जहाद करेगा। अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये अस-सिलसिलातुस्सहीहा में 3516 नंबर ये हदीस है। इसी तरह ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सुनन नसाई की हदीस मौजूद है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिंदुस्तान पर हमले की पेशनगोई फरमाई। फिर अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अगर मैंने ये मौका पा लिया तो मैं इसमें अपना जान और माल खर्च कर दूंगा, फिर अगर मैं इसमें शहीद हो गया तो अफजल शुहदा होऊंगा, सबसे अफजल शहीद होऊंगा, यानी शुहदा में भी सबसे अफजल होऊंगा, और अगर जिंदा वापस आ गया तो मैं आग से आज़ाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो होऊंगा। ये सुनन निसाई की हदीस नंबर 3176 है और इसी तरह के अल्फाज 3175 में भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गज़वा हिंद जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमला किया था, राजा दाहिर के साथ लड़ाई की थी, उस वक्त गज़वा हिंद हो चुका है या गज़वा हिंद अभी होना है? तो देखें, बात सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर हमें बताया है कि अल्लाह का दीन क़यामत से पहले पहले इस कुर्रे अर्ज के हर कच्चे पक्के छोटे बड़े घर के अंदर, कुटिया के अंदर दाखिल होगा, और क़यामत से पहले पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला की वहदानियत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायम होकर रहेगा। अगर कोई इसमें शक करता है तो वो इनकार हदीस में मुबतला होता है और उसके ईमान पर शक। तो अब जो अहादीस गज़वा हिंद से रिलेटेड हैं वो सिंध और हिंद के ऊपर हमले की हैं, ठीक हो गया। तो ये कयास लेना और ये अज्यूम करना कि जितने भी लश्कर हिंद की तरफ और सिंध की तरफ भेजे गए, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर हो या बाद में जो कोशिशें की गई वो हों, वो सारे के सारे उस अजर में, जिन्होंने भी हिंदुओं के साथ जंग की, ये नहीं कि मुसलमान हुकूमत थी और फिर मुसलमानों के साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से हमला कर दिया या किसी और तरफ से मुसलमान हुक्मरान के ऊपर हमला किया गया, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जो हिंदुओं के साथ जंग मुसलमानों ने की, किसी भी कैपेसिटी में की, अरब से आकर की या यहाँ पर जो मुसलमान हो चुके हैं या अफगानिस्तान में जो मुसलमान हो चुके हैं, उन्होंने जंगें की, हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि वो गज़वा हिंद के अजर के अंदर शामिल होंगे। लेकिन लेकिन ये बात आप किसी सूरत रिजेक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि क़यामत से पहले पूरी दुनिया के ऊपर और ज़मीन के हर घर कच्चे और पक्के के अंदर अल्लाह ताला का दीन कायम होना है, तो ये बात आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि क़यामत से पहले जो हिंदुस्तान की सरजमीन है यहाँ से बुतों का खात्मा होगा और यहाँ पर शिर्क अकबर जो हो रहा है, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया जा रहा है, बुत बनाकर नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के शरीक ठहराए जा रहे हैं, ये बुत ख़त्म किए जाएंगे, इनका कला कमा होगा और वो मारका अभी होना बाकी है, और उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से ज़रूर एक ग्रोह हिंदुस्तान हिंद के ऊपर हमला करेगा और वहाँ के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएगा, औकमा कौल, यानी कि जो हिंदुस्तान की सरजमीन है उसके साथ वो जो अजीम मारका होना है वो अभी बाकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग, कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं और ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो कि उनका कोई लॉजिस्टिकल इसके पीछे स्ट्रेटजी है या वो किसी शरपसंद अनासिर की इमा पर यह बात कह रहे हैं या अपनी सादगी में ये बात कह रहे हैं कि गज़वा हिंद पाकिस्तान से नहीं लड़ा जाएगा बल्कि गज़वा हिंद तो बैतुल मक़दस का बादशाह अफवाज को भेजेगा और वो यहाँ पर आकर
जंग करेंगे। पहली तो बात यह है कि जो बैतुल मकदस वाली बैतुल मकदस के बादशाह जो वहाँ सर फौज भेजेगा और गजवा हिंद लड़ेगा और हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको बेड़ियों में जकड़ कर लाएगा, वो हदीस मैंने बहुत फलोरने की कोशिश की है, सिहाय सित्ता में से किसी में वो हदीस मुझे नहीं मिली। ज़ईफ सही हसन मरफू, वो तो बात की बात है, सिहाय सित्ता में से वो किसी में भी हदीस नहीं है। वो तलाश करने के बाद हदीस मिली है इस किताब में, ये जो किताब है किताबुल फितन नुएम बिन हम्माद की। और ये किताब जो है ये दरअसल इसमें सब अहादीस नहीं हैं, कुछ अकवाल भी हैं, ये कलेक्शन है मुख्तलिफ कोटेशंस की, रवायात की, अकवाल की, कुछ इसमें अहादीस भी हैं लेकिन वो अहादीस भी ज़्यादातर ज़ईफ हैं। ये हदीस है, रवायत कहना चाहिए क्योंकि इस किताब में पता नहीं चलता कि कौन सी हदीस है कौन सी रवायत है, जब तक कि वाज़े तौर पर लिखा ना गया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई हो। और ये जो रवायत है किताबुल फितन की, ये रवायत है 1235 नंबर, और इसके अंदर ये बात हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मंसूब है। उन्होंने ये भी नहीं फरमाया कि ये बात उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, तो ज़ाहिर है क्योंकि सहाबी का की बात है तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये हदीस है, लेकिन बहरहाल ये फिर भी इसकी सनद ज़ईफ है पहली बात, लेकिन ये फिर भी हम इसको वैल्यू में लेंगे और लॉजिकली आंसर करेंगे कि ये गज़वा हिंद पाकिस्तान से लड़ी जाएगी या कहीं और से। आप पहले रवायत सुन लें कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस का बादशाह हिंदुस्तान की तरफ लश्कर भेजेगा, वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाए गिरफ्तार करके लाएगा, मशरक़ और मगरब के दरमियान तमाम इलाके इस बादशाह के मफ्तू हो जाएंगे, वो लश्कर हिंदुस्तान में दज्जाल के निकलने तक ठहरा रहेगा। ये रवायत इसको कोट किया जा रहा है कि शायद जो बैतुल मकदस का बादशाह है वो भेजेगा लश्कर, लेकिन अब सुने कि वो बैतुल मकदस का बादशाह जिसके अंडर मशरक़ और मगरब के इलाके हो जाएंगे वो कहां से आएगा, वो बादशाह कहां से आएगा। वो रवायत आप सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युक्ततलु इंदा किंज़कुम सलास कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, कि तीन लोगों में तजाद होगा, किताल होगा, जंगो जदल होगी यानी खाना जंगी होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि इलाके का जिक्र नहीं फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके को ही हम अज्यूम करेंगे, यानी कि हिजाज़ मुकद्दस में यह वाक़या होगा, और वो तीनों के तीनों जो अफराद होंगे वो खलीफा के या बादशाह के बेटे होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में बाद में फरमाया कि सुम्मा तत्लु रायातुस्सूद मिन क़िबल अल-मशरिक, फिर मशरक के जानिब से काले झंडे निकलेंगे, और क्या होगा कि फबायुहु वलौ हब्बन अल-फलज फइन्नहु खलीफतुल्लाहुल महदी। इस हदीस के आखिर में आता है कि तुम्हें चाहिए कि बैत करो जाकर उनके हाथ पर, फइन्नहु खलीफतुल्लाहुल महदी, क्योंकि वो लश्कर इमामुल महदी खुद लेकर वहां से आ रहे होंगे, यानी कि वो जो बादशाह है जो मशरक की जानिब से आएगा वो आकर अरबों के अंदर जो तजाद हुआ होगा, खाना जंगी हो रही होगी, उसको छुड़ाएगा, आएगा वो मशरक के जानिब से, और कौन होंगे वो, इमामुल महदी अलैहिस्सलाम अलैहि रहमा होंगे, और यही वो इमामुल महदी होंगे जिनकी अफवाज मशरक से निकलेंगी पहले। पहले कहां से निकलेंगी, मशरक से निकलेंगी। ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस नंबर 2269 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, सुम्मा तत्लु रायात सऊदी मिन क़िबल अल-मशरिक, मैंने पहले बता दिया कि मशरक की जानिब से काले झंडे निकलेंगे। अब जो है ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस नंबर 269 में बताया जा रहा है कि खुरासान की जानिब से काले झंडे निकलेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े मजे की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरुद्दुहा शैउन, उनको कोई चीज रोकने वाली नहीं होगी, हत्ता तनसबु बी इलिया, यहां तक कि वो यरूशलम में बैतुल मकदस में गाड़ दिए जाएंगे।
यानी कि जो मस्जिद अक्सा है वो मुसलमानों के हाथ से निकल चुकी होगी। वहां पर जो भी हैकल सुलेमानी या जो भी ये यहूद अपनी साजिशें कर रहे हैं वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो चुके होंगे। फिर मशरिक की जानिब से काले झंडे आएंगे, यानी इमामुल महदी आएंगे, वो जाकर बैतुल मकदस को फतह करेंगे और बैतुल मकदस को आजाद करवाएंगे। अब आएंगे मशरिक की जानिब से, आजाद कराएंगे बैतुल मकदस को, और अब वो क्या है, अब वो क्या है, बैतुल मकदस के बादशाह, अब वो बैतुल मकदस के बादशाह, बैतुल मकदस के हुक्मरान बन गए हैं। अब वो अगर यहां से लश्कर को हुक्म देते हैं जाकर वहां पर हिंदुस्तान में जंग करने की या हिंदुस्तान के साथ जंग करने वालों की ताईद करने की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काले झंडे निकले यहीं से थे, उन्होंने बैतुल मकदस को भी फतह किया, और वही काले झंडे जो हैं जो यहां से गए थे वही वहां से आ रहे हैं और गजवा हिंद कर रहे हैं और हिंदुस्तान के इलाके भी फतह कर रहे हैं। ऑल दो इसकी तरतीब अदरवाइज बनती है, पहले वो काले झंडे दरअसल हिंदुस्तान को फतह करेंगे, बाद में जाकर बैतुल मकदस को फतह करेंगे, लेकिन इन एनी केस वो बैतुल मकदस के बादशाह कहलवा सकते हैं इमामुल महदी। तो इससे ये बात वाजे हो जाती है कि दरअसल मशरिक की जानिब से उठने वाले काले जंगे झंडे और इमामुल महदी की फौज, वो यही पाकिस्तान की फौज है जिससे अल्लाह ताला ये काम लेगा, यही वो फौज होगी जो इमामुल महदी की नुसरत करेगी, यही वो फौज होगी मस्जिदुल अक्सा को आज़ाद कराएगी, यही वो फौज होगी मुसलमानों के खोए हुए इलाके आज़ाद करवाएगी, यही वो फौज होगी जिससे इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा अल्लाह ताला दुनिया में कायम फरमाएगा। और ये मैं किसी कयास की बुनियाद पर नहीं कह रहा, किसी जज्बात की बुनियाद पर नहीं कह रहा, आपके सामने मैंने रवायात अहादीस सबूत रखती हैं। अब इसका एक है जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव, ये बात आपने बड़ी गौर से सुननी है, जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप सुन, अगर ये आप समझ जाएं तो पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। और कोई भी अगर इस तरह की दलाइल दे रहा है अपने किसी जाती मकसद के लिए दे रहा है या अल्लाह बेहतर जानता है अपनी ना समझी की वजह से दे रहा है, तो आप बड़ी आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि उनके दलाइल में कोई जान नहीं है, कोई वजन नहीं है। हिस्टोरिकली क्या हुआ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में मबूस किए जाते हैं। जगह कौन सी है जहां पर बुत परस्ती हो रही है, शिर्क अकबर हो रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तबलीग करते हैं, ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं सुना जाता। चंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर वहां से आखिरकार हिजरत फरमा जाते हैं। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को एक वार्म वेलकम देता है, तलाल बद्र अलैना वजब शुक्र अलैना, आज तो हमारे ऊपर चांद निकला है, हमारे ऊपर शुक्र लाजिम है, ऐसा इस्तकबाल होता है। मक्का में क्या हो रहा है, शैब अबी तालिब, मक्का में क्या हो रहा है, तकलीफें परेशानियां, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों को कोयलों पे लिटाया जा रहा है और कोयले भुजते हैं तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों के खून और चर्बी से, खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हों के साथ जुल्म हो रहा है, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया जाता है। मक्के में क्या हो रहा है, तकलीफें उठाई जा रही हैं, फाके हैं, परेशानियां हैं, और मदीने की तरफ तशरीफ लेकर जाते हैं, तलाल बद्रु अलैना वजब शुक्रु अलैना, लोग गलियों में निकल कर इस्तकबाल करते हैं। हिस्टोरिकली ये हुआ। और फिर मदीना शरीफ में अल्लाह ताला वो ताकत अता फरमाते हैं, वो इज्जत अता फरमाते हैं, वो लश्कर अता फरमाते हैं कि वो 313 वहां से निकलते हैं और मक्के वालों के साथ जंग होती है और घुमसान का रन होता है। अल्लाह ताला 313 को 1000 से ज्यादा के ऊपर, 3 गुना से ज्यादा के ऊपर अल्लाह ताला फतह अता फरमाता है। और फिर क्या होता है कि वही मदीना से निकलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने वाले और आकर मक्का को फतह करते हैं। और क्या ही बात है मेरे रब की शान, क्या ही है कि इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फिर जब अल्लाह की मदद आ जाती है फिर लोग जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल होने लगते हैं, फिर अल्लाह के दीन गालिब होकर रहता है। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक गालिब आ गया और बातिल मिट कर रह गया, अल्लाह ताला का हुक्म गालिब आ जाता है, अल्लाह ताला का दीन गालिब आ जाता है। अब आप ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और अल्लाह ताला की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती, और हमारे उर्फ आम में भी कहा जाता है कि द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ,
यही हिस्ट्री रिपीट हो यहीं पर मशरिक में, जहां से दोबारा से दीन ने उठना है और गालिब होना है, कि जब अल्लाह का दीन मगलूब हो चुका होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अल्लाह ताला मवाली में से लश्कर को उठाएगा जो अल्लाह ताला के दीन की नुसरत करेगा, औ कमा कौल, यानी कि मशरिक की जानिब से हम जैसे मवाली, ये राजे, ये क्यानी, ये यहां के रहने वाले हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, और यहां के हम अदना से लोग, अल्लाह ताला इन मवाली मवालियों से काम लेगा जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उनके ज़ाते अकदस और उनके ख़ानदान अकदस की नुसरत करेगा। अब आप यहां पर देखें कि क्या होता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में अल्लाह ताला की दावत पहुंचती है, लेकिन अमूमन बिल्कुल मक्के की तरह, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मक्का मुकर्रमा, मक्का शरीफ की तरह हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, के बहुत कम लोग ईमान लाते हैं। एक छोटा सा पोर्शन होता है इतने बड़े हिंदुस्तान का, इतना बड़ा हिंदुस्तान कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था यह, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। थोड़े से लोग जो इसके शुमाली हिस्से पर, मगरबी हिस्से पर, शुमाली मगरबी हिस्से के ऊपर ईमान लाते हैं, मुसलमान होते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे हिंदू और गैर मुस्लिम मौजूद होते हैं। आखिरकार क्या होता है कि जब बात मुस्तकिल नहीं फैलती तो अल्लाह ताला इन लोगों को एक रियासत अदा फरमा देता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर वो रियासत बनती है कि जो ऐलान करती है ताला अल बद्रु अलैना वजब शुक्रु अलैना, पूरा हिंदुस्तान मुसलमान होता है, हो नहीं होता ना हो, उलिया युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, के ए काफिरों हम तुम्हारे दीन की, तुम्हारे रब की इबादत नहीं करते, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तो ये रियासत फिर कायम हो जाती है अल्लाह ताला के फजल से ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ये रियासत कायम हो जाती है। लॉजिस्टिकली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, यही वो रियासत है मदीना मुनव्वरा की तरह, जो मदीना सानी कायम हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, यही वो रियासत है कि जैसे मदीना मुनव्वरा कायम हुआ उसी, और मदीना मुनव्वरा से लश्कर आकर मक्का मुअज्जमा को फतेह करता है, इसी तरह मदीना सानी से लश्कर जाएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम हुआ है, यहां से लश्कर जाएगा और बुतों की उस सरजमीन को लश्कर को आजाद करेगा। ये हिस्टोरिकली भी प्रूवन है, लॉजिकली भी प्रूवन है, लॉजिस्टिकली भी प्रूवन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस से भी ये चीज साबित है। लिहाजा अगर कोई बात इस हिस्ट्री को, इस लॉजिक को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात को मरोड़ तरोड़ के पेश करना चाहता है तो वो इंतहाई गलती कर रहा है, और उसको अपनी आकबत की फिक्र करनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम सारी उम्र बड़ी नेकी के काम करते रहते हैं लेकिन जाते जाते कोई ऐसी गलती कर देते हैं कि अल्लाह ना करे हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे नेकियों के ऊपर पानी फिर जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी इस तरह का नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब जो है ना वो अल्लाह ताला से डरें, और किसी लॉजिकल रीज़न की वजह से और लॉजिस्टिकल रीज़न की वजह से, और अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है या अगर कोई लालच तो मैं नहीं समझता, बहरहाल अगर कोई प्रेशर है या कोई आपकी इंक्लिनेशन हो गई है किसी एक ख़ास ग्रुप और थॉट की वजह से, तो आप अहादीस और अल्लाह ताला के दीन को ना तोड़ें मरोड़ें। वला तश्तरू बी आयाती समनन क़लीला, अल्लाह ताला की आयतों को किसी फ़ायदे, किसी डर, किसी खौफ की वजह से बदलना अल्लाह ताला के हाँ बहुत सख्ती का बायस है, और बहुत सख्त इसका अज़ाब दुनिया में भी आ सकता है, आखिरत में भी आ सकता है। पाकिस्तान की पाक सरजमीन ही वो सरजमीन है जहाँ से ग़ज़वा हिंद लड़ा जाएगा, पाक सरजमीन ही वो सरजमीन है जहाँ से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा आती थी, पाक सरजमीन ही वो सरजमीन है जो मदीना सानी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम हुई, पाक सरजमीन ही वो सरजमीन है कि जहाँ के मवाली, जहाँ के अदना लोग, जहाँ के आजिज़ मिजाज, जहाँ के मिस्कीन निकलेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन को बुतों से आज़ाद कराएंगे, और पाक सरजमीन ही वो सरजमीन है कि जहाँ से इमामुल महदी अल्लाह की रहमत से जाहिर होंगे, और पूरी दुनिया के ऊपर मशरिक और मगरिब के अंदर आपको मैंने रवायत सुना दी कि जिनकी हुकूमत कायम होगी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमें उन अहले खैर में शामिल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अहले बातिल से बचाए, और अल्लाह ताला अकबत नांदेश लोगों से, फितना परवरों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसमें देर ना करें, अगर अभी तक किसी को शक है इस मामले में तो फ़ौरन इस्तखारा करें, दुआ करें और फ़ौरन आकर हमारे साथ शामिल हों।
फौरन आकर हमारे साथ शामिल हों, ये ना हो देर हो जाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वलमुस्लिमात।